जैसे मैंने बोला आपको सेवन फैक्टोरियल, तो सेवन फैक्टोरियल का मतलब होगा सेवन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय फाइव, फोर थ्री टू वन। तो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5040 आएगा। अब देखो यहाँ पर सेवन फैक्टोरियल को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो मैं सेवन मल्टीप्लाइड बाय, मेरी इच्छा होगी कि भाई सिक्स फैक्टोरियल पे रखना, तो मैं इसको सेवन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, सेवन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स फैक्टोरियल। अच्छा सिक्स फैक्टोरियल को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा सेवन सिक्स, किसी की इच्छा होगी कि आपको फाइव फैक्टोरियल पे रखना है, तो सेवन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय फाइव फैक्टोरियल पर रुक जाएगा। तो इसका मतलब जहां पर भी आपको रुकना है वहां आप फैक्टोरियल में, तो फाइव फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं एन फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ, एन फैक्टोरियल, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल, या ऐसा भी लिख सकता हूँ एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल। इसका मतलब जहां पर भी मैं रुकूंगा वहां मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा, जहां भी हम रुकेंगे वहां हम फैक्टोरियल लगा देंगे। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं एन फैक्टोरियल, एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल, या एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल। अब देखो इस पे प्रॉब्लम किस किस तरह की बन सकती है वो समझो, कहाँ कहाँ से आपकी प्रॉब्लम बनती है ये चीज समझो। जैसे मैंने आपसे बोल दिया इफ एन फैक्टोरियल इक्वल टू 120 एन माइनस वन फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल, तो मुझे एन की वैल्यू निकालनी होगी, फाइंड एन, फाइंड एन, मुझे एन की वैल्यू निकालनी, तो एन की वैल्यू जैसे निकलेगी एन फैक्टोरियल इक्वल टू 120 एन माइनस फोर फैक्टोरियल। अब बेटा एन फैक्टोरियल को कम करते जाओ जब तक ये नहीं आता, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, और मैं यहाँ रुक गया एन माइनस फोर फैक्टोरियल। ये कैंसिल कर दिया, अब 120 के चार फैक्टर आ गए, तो हमें पता है फाइव से मल्टीप्लाई चालू होता है इसका 120। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 4 3 2 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपकी 120 है, 5 × 4 × 3 × 2। तो यदि मैं आप इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो हमारा n का वैल्यू 5 के इक्वल होगा, n इक्वल टू, सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारा ये n का वैल्यू 5 के इक्वल, तो यहां से हमें पता लग गया कि n का वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। क्लियर है, दिया समझ में आया बेटा, यहाँ पर कोई दिक्कत? नो सर। बोलिए बेटा, दिया? यस सर। अरे शेर सिंह सुबह कहाँ था बेटा आज? हैं? शेर सिंह सुबह कहाँ था? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है सर। सुबह कहाँ था ये तो बता दे बेटा, ऐसा क्यों करता है यार, मेरे को समझ में नहीं आता है? अब कल से रेगुलर रहना बेटा, अब आज की क्लास आप वीडियो देख, उसमें देखना मैंने क्या सब पढ़ाया है, वीडियो मैंने भेज दिया दिन में। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। दिया क्लास में ऑन है बेटा? यस सर। ठीक है ठीक है, ग्यारह जने हैं मतलब, तो तीन जने गायब हो गए, एक तो मृदुल की तो बेचारे की तबीयत खराब हो रही है, मृदुल नहीं है, कंगना नहीं है, और एक जना कौन नहीं है, मृदुल कंगना और
पर कौन नहीं है बेटा, ये भूल जाता हूँ यार, एक आर्यांश नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो और किस किस तरह की प्रॉब्लम बनती है ये समझो, और किस किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो समझिए। अब जैसे मैं बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, फाइंड एंड एन प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल टू 30n-1 फैक्टोरियल। हमें एन का वैल्यू निकालना है जबकि हमें ये चीज गिवन है। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे समझो, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन प्लस वन, तो ऑब्वियसली मैं एन प्लस वन को रिड्यूस करता जाऊंगा एन प्लस वन, एन यहां पर रुक जाएंगे हम, तो ये हमारा एन माइनस वन फैक्टोरियल से एन माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब बेटा 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो का मल्टीपल लिखना है बस हमें, दो चीजों का मल्टीपल लिखना है, कौन कौन से दो नंबर का मल्टीपल है 30? 6 और 5, 6 × 5 लगातार दो नंबर, तो मैंने इसको लिख दिया एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एन इक्वल टू 6 × 5। कंपेयर कर लो, एन प्लस वन बड़ा है इधर, 6 बड़ा है, तो यहां से मेरे लिए एन की वैल्यू 5, सो द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 5, तो यहां से हमें एन का वैल्यू 5 के इक्वल मिल गया। कोई दिक्कत? चलिए और देखते हैं, फाइंड एक्स इज 1/9 factorial प्लस 1/10 factorial इक्वल टू एक्स अपॉन 11 factorial। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है कि कब निकालना है, 1/9 factorial प्लस 1/10 factorial इक्वल टू एक्स अपॉन 11 factorial। तो सबसे बड़ा है 11 factorial और सबसे छोटा है 9 factorial, तो मैं सबसे बड़े 9 factorial तक सबको रिड्यूस करना है। 10 को मैंने लिख दिया 10 × 9 factorial, 11 factorial को मैंने लिख दिया 11 × 10 × 9 factorial, सब में से 9 factorial कैंसिल होगी। एलसीएम ले लिया 10, तो एक्स का वैल्यू आ गया 11 × 11, कितना आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 121, ये हमारा एक्स का वैल्यू होगी। तो ये कुछ था वही फैक्टोरियल के बारे में, तो ये बात है ना, जितना भी फैक्टोरियल के बारे में पता है, ठीक है, ये हमारा फैक्टोरियल के बारे में बात होगी। बस इतना आपको याद रखना है, 0 factorial का वैल्यू पता है, 0 factorial विल बी इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना, 0 factorial का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। क्लियर? यस सर। चलिए और देखिए, अब हम आते हैं परम्यूटेशन। बिल्कुल बेटा, रिवीजन का मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दबाजी में चलेंगे, बिल्कुल आराम से पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। मैंने पहले बोल दिया, पहले मैं परम्यूटेशन को मिनट से रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन करूंगा, उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन रिवाइज कराऊंगा वापस। और 2 तारीख से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे टाइमिंग पे ही, उसमें स्टार्टिंग से वापस रिवाइज होगा। जब तक आपका इधर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो एक बार लगभग कोर्स कंप्लीट हो गया, अब जैसे विष्णुकांत और जो भी नया आएगा उसके लिए 2 तारीख से नया स्टार्ट करेंगे, 2 तारीख वेनसडे है, वहां से स्टार्ट करेंगे, ये नया स्टार्ट होगा आपका 2 तारीख से, और इवनिंग में आपका चलता रहेगा, ठीक है ना।
अब देखो मैं परम्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज परम्यूटेशन, परम्यूटेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ये परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। यदि मैं परम्यूटेशन को डिफाइन करूँ तो परम्यूटेशन है हमारा अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज नोन एज, नोन एज परम्यूटेशन। तो अरेंजिंग ऑल थिंग्स एंड थिंग्स टेकन ऑल टुगेदर, टेकन ऑल टुगेदर दिस इज गिवन बाय एन फैक्टर। यदि मैं एन थिंग्स को, सारी एन थिंग्स को लेकर मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो एन थिंग्स को अरेंज करने के तरीके होते हैं एन फैक्टर। सारी चीजों को लेकर आपको अरेंज करना है, लेकिन डिस्टिंक्ट चीज़ से, यहाँ पर है एंड डिस्टिंक्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट अलग-अलग होनी चाहिए, चीजें अलग-अलग होनी चाहिए। उनको यदि मैं अरेंज करूंगा तो हम बोलेंगे एन फैक्टोरियल। जैसे एग्जांपल, इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन आर मेड टू स्टैंड इन योर और मैं टू स्टैंड इन इन रूम। 5 जनों को, 5 पर्सन को एक रूम में अरेंज करने के तरीके, तो नंबर ऑफ वेज हो गए आपके 5 फैक्टोरियल 120। 5 जनों को एक रूम में अरेंज करने के तरीके हो गए हमारे 5 फैक्टोरियल। हम 5 जनों को एक रूम में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, हम 5 फैक्टोरियल की तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 पर्सन इन अ रो इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनती है 5 फैक्टोरियल में। जैसे एग्जांपल, find the number of 4-digit numbers, number that can be formed, be formed with digits 1, 3, 5, 7. If repetition of digit is not enough, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं। अब आपके पास 4 डिजिट नंबर बना है और अवेलेबल डिजिट्स भी 4 ही हैं आपके पास, 1, 3, 5, 7। तो टोटल नंबर 4 को 4 जगह पर अरेंज करने के तरीके, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बेटा 4 जगह पर 4 को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। 4 को 4 जगह पर अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो हम इसको 4 फैक्टोरियल की तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. तो क्योंकि आपका, और देखो क्या बन सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, बी फॉर्म्ड विद द word, with the letters of the word, letters of word, मैं आपसे बोल रहा हूँ उसकी, समान। अब देखो कभी भी आपको कितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं तो आप तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या बेटा, इसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या? No, sir.
नहीं होगा, एस एक ही बार है, ओ एक ही बार है, एन एक ही बार। अब यदि आपको नंबर ऑफ वर्ड बनाने डिफरेंट वर्ड विदाउट विदाउट मीनिंग, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि मीनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मीनिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, क्योंकि छह लेटर्स हैं इनको अरेंज करने के तरीके, तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दिस विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। छह लेटर को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 720। सो दीज आर द नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। तो 720 वर्ड्स ऐसे हैं जो हम सुमानी से बना सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। बोलिए बेटा। अब देखिए, ये तो था कि भाई चार सभी को लेकर हमने बनाया। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि सभी को नहीं लेते, जैसे आपका छह कोई भी चीज विवर है, सिर्फ चार को लेके बनाना, तब परम्यूटेशन कैसे लगेगा वो देखते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एनथिंग इज गिवन बाय एन पी आर। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, आर थिंग्स किसमें थे? आउट ऑफ एन थिंग्स, तो एन पी आर, एन पी आर बोल लो या पी ब्रैकेट में एन कॉमा आर बोल लो, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये जो आर है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन होगी। जीरो से कम नेगेटिव हो नहीं सकता और एन से ज्यादा हो नहीं सकता, मैक्सिमम एन से के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। तो एन पी आर, तो ये आ गया हमारा आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू। तो अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड द, अब इसमें ऐसे यूज ना होगा फाइंड द नंबर ऑफ ओल्ड लेटर वर्ड, ओल्ड लेटर्स वर्ड दैट कैन बी फाउंड with the letters of the verb of verb daughter, daughter। अब हमसे बोला है कि daughter से बनने वाले चार letter word कितने, तो पहले तो देखो कितने letter हैं total, total कितने letters हैं? 8 letter, और 8 में से सिर्फ चार letter को arrange करना है हमें। तो बेटा हमारा number of words हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स 84। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 8765 कैंसिल हो गया। तो बेटा आप 84 को भी ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, 8 7 4 बार यूज करना, 84 का मतलब है 8765, चार बार रिड्यूस करो बस, फॉर्मूला नहीं लगाओ तो डायरेक्टली कर सकते हो। 84 मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो चार बार रिड्यूस कर लो। अब इसको सोल्व कर लो, 1680 आ रहा ना, कितना आ रहा है? 30210 1680, इतने वर्ड्स बन गए भैया। So the number of words that can be formed with the letters of the word daughter, four letters of word, मतलब चार, आठ में से चार को arrange करना। तो ये होता है बेटा जब पूरे में से कुछ को ही लेकर हम arrange कर रहे हैं, तब हम आपको इसलिए इस तरह से बनाएंगे इसका। क्लियर है? ये क्लियर है? और देखते हैं अभी।
अब देखो ये कैसे यूज में आता है, जैसे मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ। इसको देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज different ways a club with 10 members, एक सेकेंड, a club with 10 members, a club with 10 members select a president, select a president secretary and treasurer, secretary and treasurer, secretary and treasurer. If no member can hold, if no member can hold two offices, and each member is eligible for एनी ऑफिस, मतलब किसी भी ऑफिस के लिए एलिजिबल है, लेकिन किसी को भी दो ऑफिस नहीं मिले, तो मेंबर्स कितने हैं बेटा? मेंबर्स है आपके पास 10 और ऑफिस है आपके पास प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और ट्रेजर के, तो 10 में से 3 का ही तो अरेंज करना आपको। तो नंबर ऑफ बेस यहां से आ गया आपका नंबर ऑफ बेस 10 P3, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला 10 × 9 = 8, so what is the total number of ways in which we can be arranged, to inko arrange karne ke tarike ho gaye aapke 720 10 × 9 × 8 720, so total number of ways jisko isme hum isko arrange kar sakte hain wo aa gaya aapka 720, clear? yes sir, to is tarah se hum inko arrange kar sakte hain। बोला क्लियर है? यस सर। और देखिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। In a group of boys, next problem. In a group of boys, in a group of boys, the number of arrangement of 4 boys, the number of arrangement of 4 boys is 12 times, is 12 times the number of arrangement of 2 boys, of arrangement of 2 boys,
the number of arrangement of four boys is 12 times the number of arrangement of two boys. Find the number of boys in the group. Find the number of boys in the group. तो हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालने की ग्रुप में कितना नंबर ऑफ बॉयज है अब देखना बेटा ये बोला द नंबर लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एन मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ बॉयज एन ग्रुप इक्वल टू एन सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फोर बॉयज मतलब एनपी फोर इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू बॉयज एनपी टू तो प्रॉब्लम के हिसाब से क्या दिया है आपको np4 इक्वल टू 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू बॉयज मतलब np4 इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ np2 np4 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ np2 अब बेटा np4 का मतलब है भाई सिंपल सी बात है मैंने परम्यूटेशन में क्या बोला आपको कभी भी जैसे 7p4 निकालना है तो 7 को चार बार रिड्यूस कर दो तो np4 का मतलब है बेटा n को चार बार रिड्यूस कर दो या तो आप फॉर्मूला लगा दो देखो फॉर्मूला तो ऐसा लगेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल हम डायरेक्ट करते तो भी यही होता क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए n माइनस 2 फैक्टोरियल equal to 12 multiplied by n minus 4. अब n minus 4 factorial, 2 factorial को आप reduce करोगे n minus 2, n minus 3, n minus 4 factorial. equal to 12 multiplied by n minus 4. ये कैसे? अब बेटा 12 को मल्टीप्लाई करो मैं 12 का दो मल्टीपल ऐसे बताओ लगातार नंबर पहले बड़ा बोला करो हमेशा छोटा कभी मत बोलो जब 12 है तो 4 इंटू 3 बोलना लगातार नंबर ये आपके कंजुगेटिव टर्म्स हैं तो 12 को भी आप लिखोगे 4 इंटू 3 ये बड़ा है ये बड़ा है दोनों को कंपेयर कर लो तो यहाँ से एन का वैल्यू 6 सो द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 6 यहां से हमें n का वैल्यू 6 मिली दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लियर ये क्लियर है इस तरह से हम ये नंबर ऑफ n की वैल्यू निकालेंगे ये तरीका है n की वैल्यू निकालने ठीक है चलिए और कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ मैं तुम्हें आज बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम करवाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे और भी चीजें करेंगे लेकिन हम कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी करेंगे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते भाई रोजिना ये इवनिंग वाली क्लास आपकी 45 मिनट्स की होगी ये मैं पहले बोल देता हूँ मतलब हम 7 बजे स्टार्ट करेंगे और 7:45 पे खत्म कर देंगे रोजिना ठीक है अब मैं इसमें किसी से वैसे देखो अब मेरे को तो लगता है कि सभी को आना चाहिए लेकिन रिवीजन क्लास है तो वैसे तो सभी आइए क्योंकि मैं मना कर दूंगा कि भाई तुम्हारी इच्छा है तो फिर तुम अपने हिसाब से आओगे इसलिए सब आओगे जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा बढ़िया और एक बार चीज़ें क्लियर होती जाएगी तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी कभी अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम समझना बहुत अच्छी प्रॉब्लम है 10 एग्जामिनेशन पेपर एग्जामिनेशन पेपर आर अरेंज इन सच ए वे आर अरेंज इन सच ए वे दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम्स टू बी बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए जो बेस्ट पेपर है और जो वर्स्ट पेपर है अब ये बेस्ट और वर्स्ट का क्या मतलब है पहले ये समझो
बेटा बेस्ट और वर्स्ट का मतलब है कि 2-10 पेपर में एक सबसे बढ़िया पेपर है, मतलब बहुत अच्छा सेट किया गया पर एक बहुत खराब सेट किया गया, आप ऐसा मान लो, ऐसा समझ लो। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों पेपर कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए, अच्छा वाला खराब वाला दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे देखो समझो, 10 पेपर को पहले तो निकाल लेंगे भाई, 10 पेपर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच 10 पेपर कैन बी अरेंज, कैन बी अरेंज इज इक्वल टू 10 फैक्टर। 10 पेपर को अरेंज करने के तरीके हो गए आपके 10 फैक्टर। इसमें कोई डाउट किसी को भी? हमने 10 पेपर को अरेंज करने के तरीके निकाल लिए 10 फैक्टर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम्स टुगेदर, तो पहले मैं टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेता हूँ जिसमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ आए। नंबर ऑफ वेज व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर कम्स टुगेदर, भाई ये ऐसा हुआ, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि ए और बी कोई दो स्टूडेंट है, ऐसा समझो 10 स्टूडेंट में ए और बी दो स्टूडेंट हमेशा एक साथ आएंगे, ऐसे मानो। तो बेटा कभी भी ऐसा बोला जाएगा कि ये दोनों स्टूडेंट एक साथ आएंगे तो मैं उन दोनों को एक मान लूंगा, भाई दोनों एक साथ आएंगे तो दोनों को एक मान लो, वन यूनिट मान लो। तो बेटा वो दो एक हो गया तो बाकी कितने बच्चे? 8 बच्चे। भाई दोनों को एक मान लिया तो बाकी कितने बचे? 8, और इनको एक माना तो 9 हो गए टोटल। भाई बेस्ट और वर्स्ट पेपर को मैंने एक मान लिया, बाकी बचे 8 तो हो गए 9, तो कितना हो गया? 9 फैक्टोरियल। और ये दोनों अपनी जगह चेंज कर सकते हैं इनटू 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम बेस्ट और वर्स्ट पेपर, वो ये वो तरीके हैं जब बेस्ट और वर्स्ट पेपर दोनों एक साथ आएंगे, ये वो तरीके हैं जब बेस्ट और वर्स्ट पेपर दोनों एक साथ आएंगे। क्या ये समझ में आया लास्ट वाला केस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल? बोलिए 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्या ये केस समझ में आ गया? ये वो केस है जब बेस्ट और वर्स्ट पेपर दोनों एक साथ आएंगे। बोलिए 9 फैक्टोरियल। हाँ बेटा क्लियर है ना ये? यस सर। अब मुझे निकालना है कि कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए, तो टोटल में से इसको माइनस करो, सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इन विच बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम्स टू बी, this is equal to 10 factorial minus 9 factorial into 2 factorial. 10 factorial को लिख दिया मैंने 10 into 9 factorial. 9 factorial common आ गया तो 10 minus 2. तो बेटा आंसर आ गया 9 factorial into 2. बस इसको सॉल्व मत करना, ये इसका तरीका होगा। इसका मतलब कभी भी नंबर ऑफ वेज आपको निकालने हैं कि जब बेस ऑफ वर्स्ट पेपर एक साथ नहीं आएंगे तो टोटल तरीके से 10 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल इंटू 2 वो वाले केस था जब वो दोनों साथ में आ रहे थे, तो वो सारे केस हटा दो जब दोनों साथ में आ रहे हैं। तो जो बचेगा वो कौन सा केस हो गया? जब दोनों साथ में नहीं आएंगे, जब दोनों साथ में नहीं आएंगे वो वाला केस हो गया। क्लियर है? यस सर। तो ये वो केस हो गया जब कभी भी एक साथ। अब इसको मैं जनरल बना देता हूँ बेटा। जनरल कैसे बनाएंगे? जैसे एन थिंग ले लो आप, इसको जनरल तो तोड़ सकते हैं। एक फॉर्मूला बन सकता है आपका, देखो इफ एन आर्टिकल्स, मैं जैसे इस पर प्रॉब्लम बना देता हूँ, इफ एन आर्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे
in such a way that two particular articles never comes to. दो पर्टिकुलर आर्टिकल कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। बिल्कुल सेम केस है बेटा, दस की जगह वहां पर मैंने एन की जगह दस दे रखा था, यहाँ पर वही दो पर्टिकुलर आर्टिकल। तो पहले तो बिल्कुल बिल्कुल एक फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन आर्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड। This is equal to n factorial. तो n आर्टिकल को अरेंज करने का तरीका n factorial होगा। Number of ways in which two particular articles comes together. भाई कोई भी दो पर्टिकुलर आर्टिकल कम्स टूगेदर, जैसे आपका दो पर्टिकुलर आर्टिकल ये दोनों एक साथ आए तो इसको एक मान लो, बचेगा n माइनस टू, हो जाएगा टोटल n माइनस वन, जैसे इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय टू फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया, ये मैंने जो लिखा ये समझ में आया, n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। ये ऐसे दो केस हैं जो दो पर्टिकुलर आर्टिकल एक साथ आ रहे हैं वो अलग केस है, दो पर्टिकुलर आर्टिकल एक साथ आ रहे हैं वो अलग केस है, और वो टोटल केस। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग टू आर्टिकल्स, अरेंजिंग एन आर्टिकल सच दैट two particular articles comes to be, never comes to be, two particular articles never comes to be, this is equal to n factorial minus n minus 1 factorial into 2 factorial, n factorial को लिख दिया n into n minus 1 factorial। तो बेटा देखो ध्यान से, टू फैक्टोरियल को टू ही लिख दो, तो यहाँ से हमारा एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ गया। तो ये देखो ये फॉर्मूला हो गया। तो एन आर्टिकल्स को अरेंज करने के ऐसे तरीके जिसमें से दो पर्टिकुलर आर्टिकल कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो ये आ गया आपका एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस, जैसे दस था तो दस माइनस एक नाइन फैक्टोरियल इंटू नाइन माइनस टू एट आ गया, आ रहा था ही नहीं आ रहा, तो वही केस यहाँ पर आया। तो ये तो मैंने जनरल बताया, अभी कल अपन परम्यूटेशन पे कल प्रॉब्लम और करेंगे, अभी तो कल प्रॉब्लम और करेंगे, फिर मैं उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, लेकिन पहले मैं परम्यूटेशन पूरा करूंगा। तो कल तो परम्यूटेशन पे ही क्वेश्चन करेंगे, तो परसों करेंगे अपन उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए इसका मैं वीडियो अभी भेज दूंगा थोड़ी देर, चलिए बेटा, ओके थैंक यू भाई। सभी आइए इस क्लास में रिवीजन के लिए, है ना, आपके लिए बढ़िया है, मैं मेनली नहीं करवा रहा रिवीजन, तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ।